दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको इस घर का पूरा वॉक थ्रू दिखाना चाहूँगा। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, एंड आपको जो है इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा घर था ओके, एक टाइम पे जब बनाया गया था तब, मगर अब नहीं है। सो विथ प्लान के साथ दिखाऊँगा आपको मैं, यहाँ पे प्लान और किचन। इस तरह घर कंस्ट्रक्ट करने में आपको लगभग कितना पैसा लगता है, एंड यूटिलिटी के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट जगह है। कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है ना दोस्तों, एकदम पीसफुल लाइफ यहाँ पे। बट रात के समय काफ़ी डर लगता है इतना पीसफुल होने की वजह से ओके। वीडियो को देखिएगा विद प्लान के साथ, रूम डायमेंशन के साथ आपको बताऊँगा, एंड कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। चलिए आज मैं आपको पूरा बाहर से दिखाऊँगा इस घर का फुल। काफ़ी दुख होता है जब आप इतना साल पहले, मतलब लगभग इसका, इस घर को देखने के बाद इसका एज मालूम होता है कि ये लगभग 6 साल पुराना है। तो दोस्तों ये है वो घर जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, एंड तो ये जो है MIG यानी कि 30x50 इसका प्लॉट का साइज़ है। कॉमन कंपाउंड वॉल रहता है, यहाँ दोनों के घर के बीच में कॉमन कंपाउंड वॉल, यहाँ पर भी एक है। बट इसको जो है स्टेयरकेस नहीं है, जो स्टेयरकेस आप बनाना चाहिए वो है बाद में आप बना सकते हैं, जैसे कि स्टेयरकेस बना सकते हैं आप स्टील का। घर का फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है फ्रंट व्यू। अभी हम घर के अंदर जाते हैं, लेट्स सी। सो घर के अंदर एंट्रेंस होने से पहले ये एकदम प्लेन था, इसको थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन आना बोल के जो है एक एक ब्रिक, सिंगल ब्रिक रखा गया पूरे टॉप तक, नीचे से लेके ऊपर तक, 1 2 3 4, तो उसकी वजह से डिज़ाइन भी अच्छा दिख रहा है देखने में। और ये जो घर कंस्ट्रक्ट किया गया पुराने पत्थर यानी कि काला पत्थर से, बेसमेंट लेवल तक जो है काला पत्थर से बनाया गया। एंड ये पार्किंग एरिया है, प्लान भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। ये पार्किंग एरिया, एटलीस्ट एक छोटा कार तो आप पार्क कर सकते हैं घर के सामने, बाइक के लिए सफिशिएंट है। एंड ये एंट्रेंस जो है इस तरह से दिया गया है यहाँ से, और सामने जो है ग्रिल फॉर सेफ्टी पर्पज़, कोई छोटे बच्चे हो कोई भी। बट एक्चुअली ना ये ऐसे एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट रहा तो और अच्छा रहेगा, बट ऐसा मुड़ के आना बोले तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा हर किसी को भी ओके। एंड मैं अभी आपको प्लान दिखाऊंगा, ये है दोस्तों प्लान जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। 30x50 किचन, बेडरूम, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अटैच टॉयलेट एंड बाथ, जस्ट नॉर्मल टॉयलेट और WC है ये। एंड इसे कंस्ट्रक्ट करने में लगभग आपको पैसे जो चाहिए अराउंड, आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो लगभग आपको 15 से लेके 16-18 लाख रुपए तो चाहिए इसे कंस्ट्रक्ट करने में ओके दोस्तों। इस तरह का, एंड जैसे कि घर के अंदर एंटर होते होते मैं आपको इसका साइज़ भी दिखाऊंगा। जैसे कि यह है यहाँ का मेन डोर, और मेन डोर से आप घर के अंदर एंटर हो गए। नॉर्मल सिंपल टाइप का डिज़ाइन है पैटर्न, और ये जो पुराने टाइप के पॉलिश फर्शी मिलते थे ना घर में वो लगाया गया। और सामने टीवी के लिए जगह है, टीवी रखने के लिए जगह, और इसमें 2 विंडो दिया गया है। विंडो का साइज़ जो है 3 फीट बाय 4 फीट, 3x4.5 का दिख रहा है विंडो का साइज़। एंड ऊपर वेंटिलेटर, जितना आपका विड्थ विंडो है उतना ही, एंड हाइट में जो है 2 फीट। सो और स्लैब, यहाँ पे घर के अंदर एंटर होते ही DP लगाए गए। 3 विंडो है टोटल हॉल के अंदर, जो नॉर्मल मीडियम साइज़ का। हॉल का साइज़ आपको 12 फीट बाय 14 फीट तक, हॉल का साइज़ 12 फीट बाय 15 फीट। नॉर्थ फेस है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ जो है इसका किचन दिया गया। जैसे कि आप एंटर हो गए, जैसे किचन के अंदर आप एंटर हो गए,
ये जो है दरवाज़ा, नॉर्मल जो प्लाईवुड से ऐसे दिख रहा है। ये किचन का साइज़ आपको मिल रहा है लगभग 10x8 feet, एंड किचन का प्लेटफॉर्म भी अच्छा ही है, देखने में भी खूबसूरत दिख रहा है। ओके, किचन का टाइल्स देख लीजिएगा इस तरह से। ऊपर एक दो वेंटिलेटर, दो विंडो है छोटे छोटे, सो विंडो का साइज 2.5x2.5 feet का कुछ लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे एक विंडो है और ये प्लेटफॉर्म, और ये बाहर जो है थोड़ा सा यूटिलिटी के लिए जगह है, जैसे कि यहाँ से आप बर्तन वगैरह कुछ मानने के लिए जगह, पीछे की तरफ सेपरेट टैंक की जगह है। फिर यहाँ से आप एंटर होते हैं घर के अंदर, यहाँ से एंटर हो गए, ये सामने दरवाज़ा दिया गया है, जैसे कि ओपनिंग इसका विड्थ है 3.5। तो यहाँ से आपको बेड को लेके जाना पड़ेगा। तो बेड को लेके जाने के बाद आपका राइट में एक बेडरूम, लेफ्ट में और एक बेडरूम। चलिए अब हम देखते हैं मास्टर बेडरूम। उससे पहले जो है आपको बीचों बीच एक बाथरूम नज़र आएगा, ये बाथरूम, और ऐसी हालत है यहाँ का। एंड यहाँ पर जगह ये सिर्फ ये टॉयलेट रूम WC होगा, यहाँ पे बाथरूम। ओके, टाइल्स भी अच्छा दिख रहा है लुक डिज़ाइन के हिसाब से देखे तो, इसलिए ऐसा है कंडीशन। एंड यहाँ पे है मास्टर बेडरूम, इसका साइज़ भी ऑन एंड अराउंड 13x12 feet, 12-13 feet में मिल रहा है। और इसमें भी दो विंडो लगाएगा, सो मास्टर बेडरूम हो या फिर जो भी हो, विंडो एक लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हेल्थ के हिसाब से देखें तो अच्छा ही है, बट ज़्यादा गर्म हवा आने की वजह से आपको धूप का भी सहना पड़ता है प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे स्टोरेज के लिए अलमीरा, कबर्ड, शेल्व्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये एक पैटर्न, एंड बाथरूम का टाइल्स, और ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ, इंडियन सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब हम रुक करते हैं बेडरूम, जो और एक बेडरूम था ना, उस बेडरूम में जाते हैं। तो ये जो प्लॉट है टोटल 1500 square feet है, कंस्ट्रक्शन जो है लगभग 1000 square feet का है कंस्ट्रक्शन। इसमें भी देखिएगा दो विंडो लिया गया, यहाँ पे एक वर्टिकल विंडो, यहाँ पे एक वर्टिकल विंडो, फिर उसके बाद यहाँ पे एक विंडो, एंड उसके साइड में ऐसा, मतलब ये आपका नाक है, यहाँ पे दो आपके ईयर्स है, आजू बाजू में दो कान है, उसके हिसाब से लिया गया। पता नहीं कौन इन्वेस्ट किया था इस घर को, देख के हालत यानी कि इसका जो टाइम पीरियड जो मुझे समझ में आ रहा है, तो ऑन एंड अराउंड 6-7 years पुराना घर है। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसा हालत हुआ है। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। एक बात बताना चाहूँगा, ये हाउसिंग बोर्ड का है, सो थिंक बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, दैट्स इट, इसी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा अगले वीडियोस में। यहाँ पे देखिएगा डिज़ाइन पर्पस कॉलम भी लिया गया, कितना अच्छा खूबसूरत प्लेस है, झाड़ घर के सामने, एक कलरफुल झाड़, देखे तो एकदम ऐसा पीसफुल लाइफ लग रहा है आपको। बट जो हालात ऐसा बना दिया है इस घर को, यहाँ पर लगभग जो है ना, ऐसे बहुत सारे घर हैं, वहाँ पे एक, इधर एक, इधर उधर एक घर है, सभी का कंडीशन ऐसा ही है। ओके, थैंक यू। सभी घर में ऐसे तोड़फोड़ किया गया, पता नहीं आपका सपना का मकान, मतलब
ये जो गवर्नमेंट का नहीं है, प्योर लैंड गवर्नमेंट का था, अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो एक लैंड हाउसिंग बोर्ड जो रहता है उसे दिया गया था। फिर नेक्स्ट, और वो विंडो में बताया था ना ऐसा बाहर का लुक ऐसा देता है, तो ऐसा आउटलुक के लिए भी बनाया गया विंडो का डिज़ाइन, अच्छा दिख रहा है।